भारत के संविधान विच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर सिटीजन नू दित्ती गई है। साड़ी पुलिसिंग जिहड़ी हैगी फेयर ते मैरिट बेस्ड पुलिसिंग हुंदी है। अजनाला पुलिस स्टेशन दे विच 16 फरवरी नू 29 नंबर FIR जिहड़ी वरिंदर सिंह दे स्टेटमेंट ते दर्ज हुई सी, उहदे बारे कुछ लोकां नू जिन्हां दा FIR दे विच नां सी, इन्हां ने लोकल पुलिस नू SSP साहब अमृतसर रूरल नू कॉन्टैक्ट करके FIR दी वेरासिटी बारे डाउट रेज किया कि साडा विच रोल नहीं सीगा, गलत एट्रीब्यूट किया। सो इस नू असीं फेयर तौर पर इन्वेस्टिगेशन कराने की इहदी अश्योरेंस दी गई सी, तो उन्हां नाल इंगेजमेंट की गई सी। जदों उन्होंने कहा कि असी इहदे बारे मुजाहरा करना चाहते हैं, पीसफुल मुजाहरा करना चाहते हैं, सो कीपिंग इन व्यू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पीसफुल मुजाहरा उन्होंने अलाउ किया गया। पुलिस ने उन्होंने इंगेज किया। जिहड़ी SSP अमृतसर रूरल ने इनफॉर्मेशन दी है कि उन्होंने अश्योर किया गया कि तुसी सानू जिथे रोकोगे असी रुक जावांगे ते असी पीसफुल रहांगे ते पीसफुल प्रोटेस्ट साडा राइट है। इन दिस बैकग्राउंड जिहड़ा कल पुलिस ते अटैक किया गया ते शार्प एज वैपन्स यूज किए गए, वट्टे रोड़े चले ते गुरु ग्रंथ साहब पालकी साहब के कवर के पुलिस के उपर अटैक किया गया। 6 पुलिस परसनस हैव बीन इंजर्ड। सो इस दे बारे मैं यह कहना चाहवागा कि जड़ा पुलिस ने अटमोस्ट रेस्ट्रेंट नाल काम लिता बिकॉज ऑफ मर्यादा ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। हर मनुख हर इंसान गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार करता है। सो इस करके इस दी आड़ दे विच पुलिस ते अटैक करना एक बेहद बुजदिल एक्शन है, एक कायरता दा प्रतीक है। सो पुलिस ने अटमोस्ट रेस्ट्रेंट नाल एक्ट किया। मैं यह भी दसना चाहवागा कि बहुत सारी ताकतां हैगियां जिहड़े पंजाब नू डीएसटेबलाइज करना चाहुंदी हैं। पंजाब पुलिस ने पंजाब दे विच पीस एंड हारमोनी पंजाब दे लोकां दी मदद नाल मेनटेन रखी है ते असी अगे भी पंजाब दे विच पीस एंड हारमोनी मेनटेन रखांगे। मैं लोगों को अपील भी करांगा कि तुसी स्टेट दे विच हारमोनी ते पीस मेनटेन रखो, नाले जिहड़े इस तरह के अंसर हैगे जिहड़े माहौल खराब करन की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने मैं सख्त वार्निंग दिता। जिथों तक कल दे इंसीडेंट का सवाल है, असी इस ते एप्रोप्रिएट एक्शन लांगे। वीडियो फुटेज एनालाइज की जा रही, साढ़े जिहड़े इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जुगराज सिंह सीगे आर ऑफिसर्स लेट फ्रॉम द फ्रंट, SSP आप बैरीकेड ते सीगे, नाल उन्हां दे जिहड़े साढ़े SP सीगे, ही हैज बीन इंजर्ड विद 11 स्टिचेस ते साढ़े 5 होर मुलाजिम इंजर्ड हुए हैगे। सो उन्हां दे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके असी फर्दर लीगल एक्शन लांगे। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू एवरी सिटीजन। कंसिडरिंग दैट आर पुलिसिंग इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड फेयरनेस विद एवरी अपॉर्चुनिटी बींग गिवन टू द सिटीजन्स टू एक्सप्रेस इफ सम इनजस्टिस इज बींग डन टू दैम। रिगार्डिंग FIR नंबर 16 FIR नंबर 29 रजिस्टर्ड ऑन 16 February ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर वरिंदर सिंह इन पुलिस स्टेशन अजनाला, सर्टन डाउट्स फॉर एक्सप्रेस बाई सर्टन पीपल नेम्ड इन द FIR दैट अवर रोल इज नॉट देयर इन द FIR एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड ऑन मेरिट्स। They engaged with SSP Amritsar Rural and the local police officials and they were assured that investigation will be done as per merits. Whoever is at fault will be proceeded against. Whoever is found not at fault, we will not press charges against the concerned person. A peaceful demonstration was organized in consultation with the local police. Assurances were given to the local SSP that the demonstration would be peaceful and peaceful demonstration is our right. So, the demonstration was permitted when under the cover of the Palki Sahib of Shri Guru Granth Sahib Ji, the police was attacked in a very cowardly manner with sharp-edged weapons and stones and bricks. Brick batting also took place. 6 police officials were injured. So I want to state that the police acted with utmost restraint due to the maryada of Shri Guru Granth Sahib Ji and preserved it. And police could have opened fire, it could have led to more issues. So, we have acted with restraint on account of the presence of Shri Guru Granth Sahib Ji. Punjab police is committed to maintain peace and harmony in Punjab. Certain elements are trying to destabilize the peace in Punjab. And we have seen to it, Punjab police is a battle-hardened force. We have won victory against terrorism. We have maintained the harmony in Punjab. And Punjab will continue to fight the nation's battle. This conspiracy shall not be allowed to succeed. I appeal to all the citizens of Punjab to maintain peace and harmony in the state. At the same time, I warn such elements who attempt to destabilize the state. Regarding the incident which took place yesterday, the video footage is being analyzed. Statements of injured police personnel will be recorded and appropriate legal action will be taken. Our international hockey player, Jugraj Singh,
was there who was injured with 11 stitches. He has been hit with sharp-edged weapons. Our SSP was there at the barricade. When the Palki Saab broke the barricade, he was there present throughout. And the police has led from the front. Bharat ke samvidhan ke mutabik, freedom of expression har citizen ka right hai. Aur hamari jo policing hai, wo bhi merit-based fair hai, jisme logon ka participation hai. जब ये अजनाला पुलिस स्टेशन में 16 फरवरी को एफआईआर नंबर 29 दर्ज हुई थी श्री वरिंदर सिंह जी के बयान पर, तो कुछ लोगों ने जिनके नाम एफआईआर में हैं उन्होंने लोकल एसएसपी अमृतसर रूरल को कांटेक्ट करके ये कहा कि एफआईआर में हमारे नाम गलत डाले गए हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. उन्हें मेरिट बेस्ड इंक्वायरी करने का आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि हम इनजस्टिस नहीं करेंगे. उसके बाद बातचीत में उन्होंने कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अजनाला थाने के बाहर और आप जहाँ पे हमें रोकोगे हम रुक जाएंगे. सो इनकी इंगेजमेंट के बाद ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किया गया था उसमें गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में लेके आया गया. उसकी आड़ में पुलिस पे अटैक किया गया, शार्प एज वेपन्स यूज़ किए गए, ब्रिक बैट्स यूज़ किए गए, 6 पुलिस ऑफिशियल्स वर इंजर्ड. इंटरनेशनल हॉकी स्टार हमारे जुगराज सिंह जो वहाँ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्टेड थे उनको 11 स्टिचेस लगे हैं. पुलिस पर्सनल हैव बीन ब्रूटली अटैक्ड. पुलिस हैज शोन अटमोस्ट रेस्ट्रेंट. हमने बहुत संयम से काम लिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा को मेंटेन रखा जाए. पंजाब पुलिस विश्व की बेहतरीन पुलिस फोर्सेस में से एक है जिसने पंजाब में टेररिज्म को ख़त्म किया है. न्यूमरस सिक्योरिटी चैलेंजेस हमने फेस किए हैं. ये रोज हर रोज रोग ड्रोन्स आते हैं, गैंगस्टर्स का हमने डट के मुकाबला किया है और पंजाब पुलिस किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए सक्षम है. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह के अंसर जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी. एट द सेम टाइम मैं पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से अपील करूंगा कि शांति और हारमोनी को बना के रखें. ये हार्ड अर्न्ड पीस है. पंजाब ने टेररिज्म का एक बहुत बुरा फेस देखा है और उसके बाद टाइम टू टाइम कोशिश हुई है पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की. तो ये समय है कि हम अपने डिफरेंसेस को भुला के एज पंजाबीज वी राइज टू द ओकेजन, वी मेंटेन हारमोनी and we don't allow the atmosphere to be spoiled. Regarding yesterday's incident, appropriate legal action will be taken. Statements of police officers will be recorded. Jab wo medically fit bataye jayenge statement record karne ke liye, video footage analyze karke jo legal action jiski bhi criminal liability banti hai uske khilaf as per law action kiya jayega. You see, the SIT in the Kot Kapura firing case was constituted on the orders of the Honorable High Court with the directions to report to the court concerned. So I cannot comment on this because I was not exercising any supervision on the SIT. देखो जी, मैं कहता, देखो पहली गल है कि मैं यह समझना कि जेडे यूथ है वह भी पंजाबी है, साढ़े सिटीजन है. सो असी उन्होंने कोई यह दुश्मन नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है. सो असी इंगेज करा, जिमें मैं कहा कि डायलॉग द पाथ टू डायलॉग इज ऑलवेज ओपन. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਫੇਅਰ ਜਸਟ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ. ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 400 ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ SHO ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਲਾ ਦ ਫੇਮਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਰਡ ਡੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦ ਲਾ ਐਂਡ ਲਾ ਅਲੋਨ ਐਂਡ ਲਾ ਦ ਮੈਜਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾ ਦ ਲਾ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ. If Lovepreet Singh was wrongly nominated in that case and this entire thing took place, why SSP Amritsar Rural is not responsible for that? You see, it is too premature to just do the first of all. You see, as a citizen, as a Punjabi, it is your duty and my duty not to spoil the atmosphere. No, so we also feel sad when the police is So we will look, as I said, we will analyze the video footage. We will see
who attacked the police, and we will take action. Law and order situation law and order 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 देखो जी असी ना जो इंगेजमेंट की इट इज पॉसिबल क्योंकि वीडियो फुटेज तो पता लगेगा कि जो तुरे से किन्ने बंदे सी किस पॉइंट से हो सकता है कुछ इस तरह के एलीमेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हो सो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था कि इन्होंने पहले इस कल के इंसिडेंट से दो तीन दिन पहले मुझे भी एक फैक्स मैसेज आया था जिसमें मैंने एसएसपी अमृतसर रूरल को मार्क किया था ये एफआईआर दर्ज होने के इमीडिएटली एफआईआर होने के दर्ज होने के बाद उन तक ये बात चली गई थी कि इसमें कुछ लोगों को रॉन्गली नॉमिनेटेड तो वो इस सारे मसले को देख सो विल यू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दोस ऑफिसर्स हु रॉन्गली नॉमिनेटेड और ट्रीट्स हिम You see, it is, I cannot comment on the investigation, so investigation is in progress. Punjab police has issued instructions that there would be no photograph of any weapons or even on social media. Then how come Ramrit Pal is having all the weapons along with him and he is going on in street of Ramrit Pal? You see, glorification of weapons has been banned by the Punjab government. So, you see, there are 3.5 lakh licensed arms in Punjab. Okay, so suppose Mr. X has a licensed arm, so he is going to carry his license arm. So you see, no. I am just setting the perspective. You see, we have launched a drive to check all the weapons in the state. So we will check the weapons. देखो जी गल थोड़ी ठीक है कि धार्मिक सेंटीमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं सो जिवें पालकी साहब गुरु ग्रंथ साहब दे आड़ लैके पुलिस से अटैक किया गया इत्थे जिवें चंडीगढ़ बॉर्डर से जिहड़े निहंग सीगे घोड़े से उन्होंने अटैक करता सीगा So we are building our capacity to handle such. What are you going to do to boost the morale of Punjab police? Because I suppose with this incident, everybody is feeling that you know they are not in control, and of course anyone can come and do things like that. You see, Punjab police is a very brave force. Just one day before this, we had an encounter with gangsters, and three gangsters were neutralized. Punjab police has faced numerous terrorists. I went to Sarhali police station. This was an attack by our own people, by our unruly mob. So, sade thane te RPG to bhi attack hoya hai. So, see, we have handled that situation and come out on top. So, we will maintain peace in Punjab. Sir, बट असी 100 तो उपर FIR दर्ज किए हैं फॉर हेट स्पीचेस अच्छा ये कई बारी जल्दबाजी से साढ़े अफसर ने गलत भी किया मैं याद है किसी को 8 साल के बच्चे थे टॉय पिस्टल से वो कोल तो भी FIR असी दर्ज करती मतलब वी समटाइम्स पुलिस गोज इन टू ओवर ड्राइव समटाइम्स कोई चीज़ जिवें कह रहे हो वाजिब जिते एक्शन लेना होंगे
ਉੱਥੇ ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇ ਗੋ ਟੂ ਅਜਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਬਟ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਐਨੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਦੇਅਰ ਸਿੰਸ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦੇਅਰ ਆਈ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਹੀ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਆਰ ਏਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਲੋ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਾਂਗੇ सबसे बड़ी बात है आपके 6 पुलिसकर्मी आप खुद कर रहे घायल है तो कब तक उनको जो घायल किया है जिन लोगों ने वीडियो फुटेज भी कब तक उन पर कार्रवाई शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे जी तो मैंने एक मैं अर्पित जी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ज्वाइन अस फॉर अ कप ऑफ टी No, as I said that we acted with restraint. We acted with restraint because of Shri Guru Granth Sahib. Thank you.